नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। मेरे प्यारे भारतवासियों, अभी कई दिन से मुझे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बहुत से जातिवाद संबंधी, वर्ण व्यवस्था संबंधी और आरक्षण से संबंध रखने वाले कुछ कमेंट्स, पोस्ट पढ़ने को मिली। इसके अलावा कुछ ऑडियो भी सुनने को मिले। मैंने सुखदेव जी का, सुखदेव सिंह हैं, उनका भी ऑडियो सुना। राजपूत हैं, वो भड़क रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम माणा प्रताप बन जाएंगे। एक जाट हैं, कोई लेडीज हैं, उनका भी ऑडियो मुझे सुनने को मिला। उन्होंने राजपूतों को न जाने क्या क्या चैलेंज किया और वो अनंगपाल सिंह तोमर पर इनाम वगैरह क्या घोषित किया। ठीक। और मुझे पंडित वेद प्रकाश शर्मा जी का भी ऑडियो सुनने को मिला, उनका भी मैंने सुना। और उन्होंने जाटों को बहुत हीन और राजपूतों को बहुत श्रेष्ठ तुलनात्मक रूप से, विश्लेषणात्मक रूप से बताया। ये सब सुनने के बाद में और ये सब देखने के बाद में मैं अपना बात को जारी रखूं, उससे पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। मैं नरेंद्र सिंह तोमर चंबल घाटी में रहता हूं, मुरैना में रहता हूं और महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर का वंशज हूं। मैं ययाति चंद्रवंश का वंशज हूं। चंद्रवंश से जो आगे वंश चला है उसमें आगे ययाति राजा हुए और ययाति ने पुरु को राज्य प्राप्ति का वरदान दिया और अपने तीन पुत्रों को श्राप दिया और पुरु को राज्य का वरदान दिया। ये चंद्रवंश के इन चार में से कुल 10 कुल हुए। चंद्रवंश में 10 कुलों, इस प्रकार से सूर्य में वंश में भी 10 कुल। तो एक कहावत है कि 10 रविसों 10 चंद्रसों, 12 ऋषि प्रमाण और 4 हुतासन यज्ञ सों, 36 कुली ये जान। यानी इस प्रकार से 4 वंश होते हैं, 4 वंशों में 36, हर कुल में गोत्र होते हैं। इस प्रकार से क्षत्रियों का पूरा संरचनात्मक ढांचा तैयार होता। मैं अपनी बात पर वापस आऊं और इन सब की टीका टिप्पणियों का जवाब दूं और कुछ बातें बताऊं और सबके भ्रम दूर करूं। कोई कुछ बकवास कर रहा है, कोई कुछ बकवास कर रहा है, कोई कुछ बकवास कर रहा है। मैं अनंगपाल सिंह तोमर का वंशज हूं, 23वीं पीढ़ी हूं। मैं उसी अनंगपाल सिंह तोमर का वंशज हूं जिसने दिल्ली में किल्ली गाड़ी, जिसे भीमलाट कहते हैं, एक ही हुंकार में गाड़ दी, एक ही हाथ से गाड़ दी। और उस किल्ली का वजन महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की तलवार के बराबर के वजन के बराबर है। यह मैं नहीं कहता, यह ग्रंथों में लिखा है, उसी वक्त लिखे गए ग्रंथों में लिखा गया है। विबुध श्रीनगर में लिखा है, वहां पर जो शिलालेख लगे हैं, दिल्ली म्यूजियम में शिलालेख रखे हैं और खुद दिल्ली की किल्ली पर जो लेख खुदा है, जो महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर ने अपनी तलवार की नोक से खुदा था, उस पर भी यही सब लिखा है। हर शिलालेख में मौजूद है, तोमर राजवंश की वंशावली में यह बात मौजूद है। वे महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर महाभारत के सम्राट, संपूर्ण पृथ्वीपति, इस पूरे विश्व के सम्राट, महाभारत के सम्राट। मैं उनका वंशज 23वीं पीढ़ी आपसे बात कर रहा हूं। और जिस जाट ने, जिस भी जाट ने महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर को फरार घोषित करने की हिमाकत की है या उन पर इनाम घोषित करने की हिम्मत की है, आ जाए मेरे पास, मैं बैठा हूं मुरैना के अंदर में।
मैं दिल्ली भी जाता रहता हूं, हरियाणा में भी घूमता हूं, राजस्थान में भी घूमता हूं, पूरे में जिसमें दम है। 1 लाख का क्या, 1000 करोड़ का पुरस्कार भी घोषित करोगे तो कम पड़ेगा एक महाभारत सम्राट के लिए। तुम्हें अभी महाभारत सम्राट की कीमत पता क्या, जिसका विश्व भूखंड पर राज्य रहा। जानते हो भारत किसको कहते हैं? श्री महाभारत में वेद व्यास जी ने बाकायदा श्लोक देकर के बताया है कि तुम लोगों को भारत क्यों कहा जाता है, तोमर राजवंश को ही भारत क्यों कहते हैं। भारत किसी भूखंड का नाम नहीं है, भारत किसी देश का नाम नहीं है। वेद व्यास जी ने श्री महाभारत में हरिवंश पर्व में यह श्लोक दिया है, तुम लोग महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के वीर से उत्पन्न महाराजा भरत के पुत्र होने के कारण भरतवंशी और भारत कहे और पुकारे जाते हो। महाभारत का हरिवंश पर्व आप पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो मैंने इस श्लोक को बाकायदा तोमर राजवंश के पेज पर फेसबुक पर डाल के रखा हुआ है, और मुझे आगे वक्त मिला तो मैं ऑडियो के रूप में भी ये सारा वंशावलियां सूर्यवंश की भी चंद्रवंश की भी सभी महाभारत में दी गई हैं। और कौन की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्ण कैसे विभाजित हुए, ब्रह्मा जी ने तो केवल 4 वर्ण ही बनाए, ये हरिवंश पर्व में ही लिखा है। उसके बाद जब उन्होंने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने फूल पत्ती पौधे और विभिन्न प्रकार के गंधर्व यक्ष किन्नर राक्षस असुर आदि की रचना की। अब जब ये सब उपाख्यान उसमें सुनने को मिलेंगे, अप्सराओं के नाम सुनने को मिलेंगे, कौन किसका पुत्र है, कौन कहां से आया, कौन कैसे हुआ, ये सब विवरण पूरा का पूरा उसके अंदर में दिया हुआ, हर व्यक्ति का विवरण दिया है। जब ब्रह्मा जी ने केवल 4 वर्ण की रक्षा निर्माण किया और इस कायनात में केवल 4 ही वर्ण बनाए, बाद बाकी तो उन्होंने न जाने कितनी योनियों की रचना की, सारी योनियों का विवरण उसमें दिया गया है, कौन किसका पुत्र हुआ, ब्राह्मण किसके पुत्र हैं, क्षत्रिय किसके पुत्र हैं, वैश्य किसके पुत्र हैं। इन 4 वर्णों में वर्ण रचना तो करी ब्रह्मा जी ने, लेकिन कौन किसका पुत्र हुआ, कैसे पुत्र हुआ, जब हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं या श्री महाभारत के ही हरिवंश पर्व को आगे बढ़ते हैं तो सूर्य वंश में भी क्षत्रियों के पुत्र ब्राह्मण हुए, वैश्य हुए, और उनके पुत्र ब्राह्मणों के ही पुत्र क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए, वैश्यों के पुत्र, ये तो प्रक्रिया परंपरा उसमें चलती रही। श्रीमद् भागवत में बाकायदा इसका संपूर्ण वृत्तांत वर्णित है। इसी प्रकार से श्री महाभारत में हरिवंश पर्व में भी इसका संपूर्ण वृत्तांत वर्णित है। अब रही शूद्र जाति की बात, तो सबके रंग बताए हो, ब्राह्मण श्वेत रंग, क्षत्रिय लाल रंग, वैश्य पीले रंग और शूद्र काला रंग। लेकिन किसी की भी जाति कि कौन शूद्र है, कौन क्षत्रिय, कौन ब्राह्मण और कौन वैश्य, जाति का विवरण आपको किसी भी ग्रंथ के अंदर में नहीं मिलेगा। श्री महाभारत में भी नहीं मिलेगा, श्रीमद् भागवत में भी नहीं मिलेगा, 18 पुराण में कहीं नहीं मिलेगा, वेदों में नहीं मिलेगा, आपको उपनिषदों में नहीं मिलेगा। फिर शूद्र किस जाति को कहा गया? शूद्र की कोई जाति नहीं दी गई। इन 3 वर्णों की जो सेवा करे, हम ही लोग आपस में 3 वर्णों में से ही सेवक बनाते आए, और जिनको सेवक बनाया वही शूद्र कहलाए।
शूद्र कोई भिन्न जाति नहीं। मुझे बड़ी हैरत होती है जब भारत सरकार ने अनुसूचित जाति के नाम पर एक सूची निकाल दी और उसमें कुछ चुने हुए लोगों को अनुसूचित जाति कह दिया। मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब तक दिल्ली पर महाराजा नंगपाल सिंह तोमर का शासन था, कोई भी देश भारत के अंदर में, महाभारत के अंदर में अछूत नहीं था, अस्पृश्य नहीं था, हे नहीं था, त्याज्य नहीं था। लेकिन उनके जाने के बाद बहुत कुछ हुआ इस देश में। मुगलों ने बहुत लाभ उठाया इसका, अपना राज करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े करिश्मे किए, बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़ी बड़ी जातियां पैदा कर दी, बहुत सौ को शूद्र बना दिया, बहुत सौ को कुछ, यहां तक के राजपूतों को भी या अन्य जाति के लोगों को भी जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया अंग्रेजों द्वारा। फूट डालो और राज करो की नीति के तहत मुगलों के गुलाम राजा और अंग्रेजों के गुलाम राजाओं ने उस नीति को पालन करते हुए, भले ही वो क्षत्रिय रहे हो या शूद्र जाति के राजा रहे हो, सबने उसका पालन किया और सब भू सब में विभाजन करके फूट डाल के महाराजा नंगपाल सिंह के तोमर के दिल्लीपत के राज में, महाभारत सम्राट के राज में कोई भी अशूद्र ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य ऊपर नीचे नहीं था। किसी की भी कोई ऊंची जात और कोई नीची जात ऐसा कुछ नहीं था। शूद्र हे नहीं था, त्याज्य नहीं था, ब्राह्मण पूज्य नहीं था। ब्राह्मण में से भी किसी को गुरु का उपाधि दिया जाता था, गुरु की पूजा की जाती थी। किसी ब्राह्मण को कुछ कार्य सौंपा गया, कुछ तेरहवीं के ब्राह्मण थे, कुछ श्राद्ध के ब्राह्मण थे, कुछ चतुर्वेदी जो चारों वेदों का ज्ञान रखते थे, कुछ द्विवेदी जो दो वेदों का ही ज्ञान रखते थे, त्रिवेदी तीन ही वेद का ज्ञान रखते थे। मगर आज कौन चतुर्वेदी ऐसा है जिसको चारों वेदों का ज्ञान है? कहीं नहीं मिलेगा। अब आइए हम श्रीमद् भगवद गीता पर आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में जाइए, श्लोक क्रमांक 41 से लेकर के 45 तक पढ़िए। वहां भी सिर्फ और सिर्फ चार वर्ण का, चार धर्म का, चार कर्म का ही जिक्र है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसके अलावा पांचवे का किसी का जिक्र नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी उपनिषद में इन चार के अलावा पांचवे किसी का वर्णन नहीं है। अब प्रश्न ये है कि ये गुजर और जाट आए कहां से? अभी मैं कहीं पढ़ रहा था तो उन्होंने राधा जी को गुजर लिख दिया, मुझे बड़ी हैरत हुई। या तो उन्होंने मार्कंडेय पुराण नहीं पढ़ा, श्रीमद् देवी भागवत नहीं पढ़ा, या देवी के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं। श्रीमद् देवी भागवत में आप पढ़िए, चंद्रवंश के क्षत्रिय राजा की पुत्री थी राधा जी। चंद्रवंश के क्षत्रिय राजा की पुत्री थी राधा जी, गौलोकवासिनी। जब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, पर भगवान श्री कृष्ण धरा पर आए तो उनकी सारी योग मायाएं, योग शक्तियां गौलोक से सारी गौ सब गोपियों के रूप में प्रकट हुई उनकी लीला पूर्ण करने के लिए। और वहां की जो राजकुमारी थी गौलोक धाम की, श्री राधे जी, उनकी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति वे राधा जी के रूप में प्रकट हुई। क्षत्रिय राजा, चंद्रवंश के क्षत्रिय राजा के यहां पर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। अब प्रश्न ये है कि 900 साल पहले तक, यानी कि जब तक के दिल्ली पत महाभारत सम्राट महाराजा नंगपाल सिंह तोमर का शासन नहीं रहा,
उससे पूर्व गुजर और जाट, ये दो जातियां कहीं भी किसी भी ग्रंथ में, किसी भी राजवंश की वंशावली में, यहां तक कि तोमर राजवंश जिसका कि चक्रवर्ती सम्राट रहा, पूरे विश्व के पृथ्वीपति रहे, श्री महाभारत में जन्मे जय को वैशंपायन जी ने अनेक बार भारत कहके बुलाया। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद भगवद गीता में अर्जुन को हमेशा भारत कहके बुलाया। एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत जब जब धर्म की हानि होती है। यहां भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भारत कहते। जन्मे जय को हर प्राण के अंदर में भागवत कहके बुलाया, श्रीमद देवी भागवत में जन्मे जय को भारत कहके बुलाया, और जब श्री महाभारत के हरिवंश परम में बार बार जन्मे जय को भारत ही कहा गया। भारत एक वंश का नाम है, भारत किसी भूमि का नाम नहीं। और इस वंश की जहां जहां तक भूमि रही, जहां जहां तक साम्राज्य रहा, जहां जहां तक राज्य रहा, वह जगह भारत भूमि कहलाई, यानी भारत की भूमि, भारत जिसका स्वामी है। और भारत है तोमर राजवंश। इतना सब कहने के बाद में मैंने पंडित जी का, वेद प्रकाश शास्त्री जी का भी बयान सुना था और उन्होंने काफी कुछ सही कहा, लेकिन हम उसे रिलीज और ब्रॉडकास्ट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने शब्द हिंदू का प्रयोग किया। हिंदू शब्द मुगलों की देन है, हिंदू शब्द जो है अंग्रेजों का बढ़ाया हुआ शब्द है। हिंदू होते ही जातियां बट जाती हैं, हिंदू होते ही अछूत स्पर्श बन जाते हैं, कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है। सनातन धर्म में यह व्यवस्था नहीं है। सनातन धर्म में चार वर्ण है, चारों वर्ण बराबर है, कोई किसी से कमतर नहीं, कोई किसी से बढ़तर नहीं, सबको बराबर मान्यता है। ब्राह्मणों का शूद्रों से, जिनको आप शूद्र कहते हैं, बराबर बैठना, उनके यहां भोजन करना, क्षत्रियों का शूद्रों के यहां बराबर बैठना, भोजन करना, ये सब परंपराएं रही, 900 साल पहले तक चलती रही। पाराशर मुनि ने एक मला की कन्या, या जिसे आप शूद्र कहते हैं आज के जमाने में, के समागम से व्यास जी की उत्पत्ति की, उनका विवाह हुआ, गांधर्व विवाह से ही ये सब संभव था, कोई छोटा बड़ा नहीं था, उनकी जातियों के बीच में अंतर नहीं था, अछूत स्पर्श नहीं थे। सीता की जाति क्या थी जिससे भगवान राम ने विवाह किया? जनक जी जब खेत जोत रहे थे तो हल्की फाल की नोक, जिसको सीता कहते हैं, उससे जब खेत जोतते समय खेत में से मिट्टी में से निकली सीता, उसकी क्या जात थी, क्या धर्म था, क्या वर्ण था, कोई बता सकता है? नहीं। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं इतिहास के अंदर में, यह सब कुछ 900 साल पहले तक नहीं था। लेकिन जब मुगल आए, मुगलों ने मुसलमान बनाना शुरू करा, और जब महाराजा नंगपाल सिंह तोमर को धोखा दिया पृथ्वीराज सिंह चौहान ने, तो महाराजा नंगपाल सिंह तोमर का बड़ा पुत्र, जिसे मोहम्मद गौरी कहा गया, जिसे एक पठान उठा करके ले गया था राजमहल में, षड्यंत्र रचे जा रहे थे, उनका छोटा भाई मदन पाल सिंह तोमर और उसके दोहित्र यानी पृथ्वीराज सिंह चौहान और जयचंद्र राठौर का नाना मदन पाल सिंह तोमर और महाराजा नंगपाल सिंह तोमर का वजह छोटा भाई, महाभारत सम्राट की किसी भी प्रकार से गद्दी को, सिंहासन को हथियाना चाह रहे थे। उन्होंने साजिश रची। उस साजिश के तहत जब महाराजा नंगपाल सिंह तोमर तीर्थ यात्रा पर निकले तो उन्होंने सिंहासन वापसी से इनकार कर दिया। महाराजा नंगपाल सिंह तोमर के साथ इस प्रकार का धोखा दिया तो महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर अपने पुत्र कुंवर सोनपाल सिंह तोमर को लेकर के यहां चंबल में आ गए। ऐसा गढ़ी में उन्होंने गढ़ी बनाई, छोटा सा किला है, वहीं से उन्होंने अपनी नई राजधानी स्थापित की, वहीं से अपना नया साम्राज्य शुरू किया।
उसमें आगे चल के जब पद्मिनी की चित्तौड़गढ़ की जो महाराजा रावल रतन सिंह सिसोदिया और उनकी रानी पद्मिनी उनकी पुत्री थी हेमावती, वंशावली में हेमावती का महाराजा नंगपाल सिंह तोमर के पुत्र सोनपाल सिंह के पुत्र कमरपाल सिंह तोमर से उसका विवाह हुआ। उनके दो पुत्र हुए राव घाटम देव और राव बीरम देव, इन्हें देवबरम कहते, इन्हीं को वीर सिंह देव कहा गया। इन्होंने सल्तनत का विस्तार इस कदर किया कि ग्वालियर से लेकर के पूरे मध्य भारत गुजरात तक अपनी सत्ता फैला दी, आगरा तक अपने कब्जे में ले लिया। तो सिसोदियों से रिश्तेदारी चित्तौड़गढ़ से उस वक्त हुई, उसके बहुत बाद में कई पीढ़ी बाद में जाकर के रामशाह तोमर से माणा प्रताप की बहन का रिश्ता हुआ, इस रामशाह तोमर के पुत्र से। तो रामशाह तोमर के पुत्र माणा प्रताप के बहनों ही बने। इसी वजह से तोमर हल्दीघाटी गए, 450 शहादतें हुई जिसमें 423 तोमर शहीद हुए। तो जो रक्त तलैया खड़मोर में बनी हल्दीघाटी में, वहां 450 शहादतों में से 423 तोमरों का रक्त है, तोमरों के रक्त से बनी है रक्त तलैया। महाराजा रामशाह तोमर के हुक्म से महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया और उन्होंने अपनी खुद की तीन पुत्रों की और अपने एक नाती की पौत्र की, यानी तीन पीढ़ियों ने एक साथ एक ही जगह एक ही वक्त पर बलिदान दिया, वीरगति पाकर के शहादत दी। तब वह स्थान रक्त तलैया कहलाया जिस खड़मोर में हल्दीघाटी में स्थापित है। वहां तोमरों के आज भी स्मारक बने हुए हैं और उन स्मारकों के चित्र हम फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर डाल भी चुके हैं और हमारी कई फिल्मों में भी मौजूद है। आप एक ऐसी कौम को, ऐसे एक महाराजा को फरार घोषित करना चाहते हो जाटो, तुम में क्या दम? किसी में दम है तो आ जाए इधर चंबल में, या तुम जहां कहो तोमर वहां पहुंचेंगे। खबरदार, अगर किसी ने भी हिमाकत या जरूरत की तो ऐसे गुस्ताख को दंड देना हम अभी तक भूले नहीं है। हम तब भी राजा थे, हम आज भी राजा हैं और हम आगे भी राजा रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि लौट के दिल्ली तोमर की, फिर दिल्ली तोमर की। मालूम है जानते हो क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनंगपाल सिंह तोमर ने उस किल्ली को खुद ही अपने हाथ से उखाड़ दिया था जब व्यास जी ने कहा कि यह धरती को चीर कर शेषनाग के फन को पार कर उसमें धस गई। तो अनंगपाल सिंह तोमर को विश्वास नहीं हुआ, कह रहे इतनी छोटी सी कील पूरी धरती चीर के और शेषनाग के फन में कैसे जा धसे। उन्होंने अपने ही एक ही हाथ से उसको उखाड़ दिया। उखाड़ा तो जब वहां खून के फव्वारे छूट पड़े तब अनंगपाल सिंह तोमर घबरा गए, बात सत्य, और उन्होंने तुरंत ही आओ देखा न ताव उस किल्ली को वहीं उसी जगह पर वापस गाड़ दिया जहां की तहां। तब व्यास जी ने कहा कि अनंगपाल, मैंने स्थिर कर दिया था तेरा साम्राज्य चंद्रवंश का यहां साम्राज्य। तोमरों को पूर्व महाभारत सम्राट सदैव के लिए तोमर राजवंश को मैंने यहां पर स्थिर कर दिया था। इस धरा पर, भूमंडल पर सिर्फ और सिर्फ धर्म ध्वजा धर्म पताका लहराएगी। तोमर राजवंश का राज चिन्ह गौ बच्चा रक्षा का निशान सर्वत्र पूज्य रहेगा। मगर अनंगपाल, तूने बहुत बड़ी गलती करी, एक अविश्वास करके इस किल्ली को खुद ही उखाड़ दिया। इस किल्ली को तेरे सिवा और तेरे वंशजों के सिवा दूसरा कोई उखाड़ ही नहीं सकता था। यह अभिमंत्रित कील थी जिसे गरुड़ध्वज कहते हैं। गरुड़ध्वज नहीं, गरुड़ के ऊपर विष्णु जी का वो है। तो विष्णु जी के, हमारे यहाँ तोमर राजवंश में गरुड़ हमारा राज पक्षी है, राज चिन्ह है। गरुड़ हमारे पक्षी के रूप में, राज चिन्ह के रूप में पूजे जाते हैं और भगवान विष्णु उन पर विराजमान रहते हैं। तो वहां जो किल्ली थी उस पर गरुड़ और गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित थी। तो विष्णुपाद यानी उस कील को कहा गया जो कि
शेषनाग के फन में जाकर के जादसी। उसकी कील की ऊंचाई काफी थी और चूंकि वजन जो है अनंगपाल सिंह तोमर की तलवार के बराबर था, उसकी पूजा के लिए बगल में ही मीनार बनवाई गई। उस मीनार पर चढ़कर नित्य महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर उन विष्णु जी की पूजा करते थे। उस गरुड़ ध्वज पर स्थापित भगवान विष्णु का पूजन नित्य किया जाता था तोमर राजवंश। उनके अनुशासन, उनके शासन और उनकी आज्ञाओं के अनुसार ही इस विश्व साम्राज्य का संचालन किया जाता। वह स्थान, वह मीनार जहां से उनकी पूजा की जाती थी बराबरी पर जाकर के, वह आज कुतुब मीनार कहा जाता। इतिहास को इतना तोड़ा गया है, इतना मरोड़ा गया है, मुगलों ने तोड़ा और अंग्रेजों ने तोड़ा मरोड़ा और इनके गुलाम राजाओं ने इस तरह से इस इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और लिखवाया है कि आज कुछ बचा कहां है, इतिहास है कहां। 900 साल से पहले कोई जाट गुजर नहीं मिलेगा। मोहम्मद गोरी ने मार मार के किसी को बंगी बना दिया, किसी को जाट बना दिया, किसी को गुजर बना दिया, तब से जाट गुजर और ये जातियां पैदा हुई। उससे पहले इनका कहीं कोई इतिहास नहीं है। इनमें से भी, जाटों और गुजरों में से भी बहुत से क्षत्रिय और बहुत से दीगर हैं। महात्मा विदुर एक दासी पुत्र थे। विदुर की संतानें भी इन्हीं वंशजों में गईं, जिनके गुह्य जड़ है, गुप्त जड़ है, जिनके वंश का पता नहीं है, गुप्त है, गुजर के लाए। मोहम्मद गोरी के समय पे उन्होंने अपना पूरा जात वंश सब छुपा लिया था, तब से वो गुजर हुए। मोहम्मद गोरी के कहर से बचने के लिए बहुत से जाटों ने अपनी जाति ने छुपा ली थी, क्योंकि वो चौहानों को बंगी बना रहा था, राठौरों को तेली बना रहा था, किसी को कुछ बना रहा था। महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर का सबसे खतरनाक बदला और सबसे कहर जिसने ढाया वो था मोहम्मद गोरी। महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर का बड़ा पुत्र जिसको गायब कर दिया गया था, भूरे पे फिकवाया गया था और महारानी को मृतवत्सा यानी बांझ बताया गया था। लेकिन वो नौकरानी, वो दासी, उसने जो है महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर के साथ वफादारी दिखाई, उसे फेंकने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने पठान को देके भेज दिया जो वहां से गुजर रहा था और कह दिया ये सम्राट की जो है संतान है, ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचा गया है, मुझे इसे फेंकने को कहा गया है, लेकिन तुम इसको ले जाओ, पालो पोसो बड़ा कर। तब वह पठान ले गया, उसने उसे पाला पोसा, अस्त्र शस्त्र ज्ञान विद्या सब सिखाया और तब वह बदला लेने आया। तो वो एक अलग कहानी है। तब उसने फिर यहां पर आके कितना केयर ढाया, भिंड से किला राय पिथौरा को खरवा के फेंकवा दिया, उसकी जगह ताल खुदवा दिया, चौहानों को बहुत मारा, भंगी बनाया, जाट बनाया, गुजर बनाया, यानी उसने जितना बदला लेना था लिया। लेकिन उसके जाने के बाद तो और भी ज्यादा गजब हुआ। यहां तक भी बात रहती तो अभी कुछ ठीक थी, आगे चल के इनको वापस फिर से किया जा सकता था। लेकिन उसके बाद जब गुलाम वंश आया, मुगल आए, उन्होंने इसका फायदा उठाया, अछूत बनाते गए, अस्पृश्य बनाते गए, शूद्रों की जातियां निर्धारित करते गए। जब शूद्र की कोई जाति होती नहीं है, किसी जाति के आदमी के शूद्र नहीं कहते, चाहे वो चमार हो, भंगी हो, कोई भी हो, किसी भी शास्त्र के अंदर में इनको अछूत, अस्पर्श या शूद्र नहीं कहा गया, ये शूद्र नहीं है ये लोग। लेकिन उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया, उन्होंने उनको ऐसा घोषित किया, मुगलों ने उठाया उनको, उन्होंने ऐसा घोषित किया। 900 साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आज परिणाम देखिए, आने वाली भारत सरकार ने भी उसका फायदा उठाया और बाकायदा उनकी तो अनुसूचित जाति एक जाति बना दी, एक अनुसूचित जनजाति, जनजाति एकलव्य, जो कि चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा का पुत्र था। श्री महाभारत में एकलव्य की वंशावली वर्णित है। जादौन
भगवान श्री कृष्ण के वंश का था एकलव्य। ये जो आदिवासी हैं क्षत्रिय राजपूतों की संतान है। एकलव्य क्षत्रिय राजपूत था, वंशावली वर्णित है महाभारत के अंदर में। एकलव्य अनुसूचित जनजातियों की सूची भी बना दी। अरे भाई कहां से बना दी? किसी शास्त्र से बना दी, किसी ग्रंथ से बना दी, किससे बना दी? अत्याचार किया इन पे, ये लोग दलित रहे, दबंगों ने इनको दबाया, इनको परेशान किया, तो किसने किया? मुगलों ने किया या अंग्रेजों ने किया? 900 साल से तो किसी और का शासन है ही नहीं, या तो मुगलों का या अंग्रेजों का या फिर इनके गुलाम राजाओं का। और वो ही आज तुम्हारी पार्टी के अंदर में सर्वे सर्वा बने बैठे, वही तुम्हारी पार्टियों को चला रहे हैं जिनको तुम कहते हो कि इनने अत्याचार किया। जिनने अत्याचार किया वही तुम्हारी सल्तनत चला रहे हैं प्यारे। और जिन पर अत्याचार हुआ उनको सवर्ण घोषित कर दिया। इन लोगों ने जिंदा जलाया है अंग्रेजों के गुलाम राजाओं ने क्षत्रियों को, राजपूतों को। जबरन लगन वसूली, जबरन कल, आप राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पढ़िए, उनकी आत्मकथा पढ़िए जो उन्होंने स्वयं लिखी है, उसमें वर्णन किया है किस तरह ये जिंदा जला देते थे। वे अंग्रेजों के गुलाम राजा, वे मुगलों के गुलाम राजा जिन्होंने अत्याचार किए वो किए, वो सब आज सत्ता के सिंहासन पर हर राजनीतिक दल के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। और जिन राजपूतों पर अत्याचार हुए, बहुत जुल्म हुए, उनके मंदिर तोड़े गए, उनके साथ में तो न जाने कितना जुल्म और अत्याचार हुआ, उनको तुमने सवर्ण सामान्य बना करके छेक के अलग कर दिया। तुमने किस आधार पर किसी को अनुसूचित जाति कहा? किस आधार पर किसी को अनुसूचित जनजाति कहा? किस आधार पर किसी को जाट कहा, किसी को गुजर कहा? आधार क्या है तुम्हारे पास? कौन सा शास्त्र है, कौन सा धर्म है, कौन सा ग्रंथ है? या इन फर्जी राजाओं का, इन गुलाम राजाओं का लिखा हुआ, इनके चमचों द्वारा, इनके चाटुकारों चापलूसों द्वारा लिखा गया फर्जी इतिहास है? उस फर्जी इतिहास को ये गुलामों के, गुलाम राजाओं के गुलाम चाटुकार और चमचों द्वारा लिखे गए फर्जी शब्दों को तुमने सही माना? हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथ 18 पुराण, उपनिषद और चारों वेदों को तुमने असत्य माना? श्रीमद भगवद गीता को सत्य माना? बताओ इनमें कहां किसको शूद्र की जाति बताई गई है, कौन किसको शूद्र कहा गया? बताओ यहां पर किसको आदिवासी कहा गया? आदिवासी शब्द आप किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर में नहीं बता सकते। किसी भी धर्म ग्रंथ में आप किसी को अछूत और अस्पृश्य नहीं कह सकते। इनके तो परस्पर शादी संबंध, रोटी बेटी के संबंध रहे, सब एक दूसरे के पुत्र हैं, एक क्षत्रिय के पुत्र हैं सब, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। आज की तारीख में देखिए, शूद्र का अर्थ सिर्फ सेवा। आज लोक सेवक कितने हैं? कितने ब्राह्मण तुमको लोक सेवक मिलेंगे, कितने क्षत्रिय लोक सेवक मिलेंगे? आप जिन्हें शूद्र कहते हैं, चमार या भंगी कहते हैं, जिनको शूद्र अछूत स्पर्श बता देते, आपको चपरासी ब्राह्मण मिल जाएगा, क्षत्रिय ब्राह्मण चपरासी मिल जाएगा। आप जिसे शूद्र कहते हैं, अनुसूचित जाति कहते, उसे पानी का गिलास दे रहा होगा, उसकी कुर्सी साफ कर रहा होगा, उसकी कार साफ कर रहा होगा, ड्राइवर होगा तो। किस अनुसूचित जाति की बात करते हैं आप? किस अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं? ये तो है ही नहीं भारत के अंदर में, किसी ग्रंथ में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं। जाट और गुजर नाम की तो कोई जाति है ही नहीं कहीं, फिर कैसे बनाए? बना दिए और वो स्वीकार कर रहे हैं, खुद ही घोषित कर रहे हैं, हम शूद्र हैं, शूद्र हैं। क्यों शूद्र? तुम कहां से हो? तुम्हारा तो कहीं अता पता नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, किसी वंश में नहीं। तुम जहां हो मूल स्थान पर वापस जाना चाहते हो और मूल स्थान की ओर लौटना चाहते हो, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय बनना चाहते हो, या कुछ और हो तो कुछ और बनना चाहते हो, उस बात को करो तो हमसे बात करो। और अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, खुद को और नीचे गिराना चाहते हो, और भी हीन और हे बनना चाहते हो तो बनो, हमें कोई अभी इस समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। आरक्षण लेते हो, लो, किसने रोका? हमने रोका क्या? हमें कोई मतलब नहीं है, हम आरक्षण नहीं लेते। क्या होता आरक्षण?
हम जब चाहेंगे जिस दिन चाहेंगे हम राजपूत है सिंहासन पर जा बैठेंगे, जिस जब भी हमारा इरादा होगा। हम लूट लेंगे छीन लेंगे उन सब जितनी भी धन संपत्ति इकट्ठी करने वाले प्रभावशाली लोग हैं, इनको समझते क्या हो? हम राजपूत हैं, जिस दिन भी हमारी इच्छा होगी ना हमारी तबीयत होगी, तुम्हारे अरबों रुपए करोड़ों रुपए और ये जो वैभवशाली महल खड़े हैं धन संपदाएं मुगलों की गुलामी करते करते अंग्रेजों की गुलामी करते करते तुमने जो इकट्ठा कर लिया है ना, इसको छीनने में हम महज केवल मात्र एक दिन से ज्यादा नहीं लगाएंगे। जो गऊ हत्याएं कर रहे हैं हमारे राज चिन्ह को मार रहे हैं, हम गऊ रक्षा बच्चा हमारा राज चिन्ह, गऊओं की और गऊओं के बच्चों की हत्याएं कर रहे हैं, उनके मांस खा रहे हैं, हम एक ही दिन में इस भारत भूमि को उनके लहू से रंग देंगे, पावन और पवित्र कर देंगे। स्मरण रहे कोई धोखा न खाए, यह महाराजा नंगपाल सिंह तोमर के वंशज की उसकी 23वीं पीढ़ी की आवाज है। ख्याल रहे किसी भी जाट और गुजर को हिमाकत न करे, हिम्मत न करे, अगर किसी में हिम्मत है हिमाकत है, मेरे घर तक आए मेरा पता जग जाहिर है। और मैं दिल्ली भी जाता हूं, हरियाणा राजस्थान भी जाता हूं, जिसमें हिम्मत है हिमाकत है आ जाए मैदान में चौड़े में। दिल्ली पद के लिए ये पूरे विश्व की भूमि भी कमी पड़ जाएगी, तुम इनाम नहीं घोषित कर पाओगे, टुकड़ों पर परले वाले कुत्तों, तुम कुत्ते थे कुत्ते हो, या तो तुम्हें आरक्षण का टुकड़ा चाहिए, आरक्षण की रोटी चाहिए, तुम्हें भीख चाहिए, भीख मंगे रहे हो रहोगे। आज तक किसी क्षत्रिय राजपूत ने आरक्षण मांगा हो इस भारत के अंदर तो मुझे उसका नाम बताओ। किसी ब्राह्मण ने आरक्षण मांगा हो तो उसका नाम बताओ। किसी वैश्य ने आरक्षण मांगा हो तो मुझे उसका नाम बताओ। अरे मनुष्य अपने व्यवहार और आचरण और अपने कर्म के कारण स्वयं को गिराता है और स्वयं को उच्च बनाता है। अपना मान स्वाभिमान सम्मान सब कुछ अपने हाथ में होता है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं होता। हमने मान सम्मान त्याग किए हैं, दान किए हैं, तपस्याएं किए हैं, हमने तो दिल्ली का राजदान किया था, महाभारत की सल्तनत को दान करके आए हैं। तुम लोगों में क्या हिम्मत जो हमारी कीमत लगाओ? अरे कीमतें तो हम लगाते हैं या चंबल में उठा के ले आते हैं, जिसको जब चाहे तब और जहां से चाहे तब और जैसे चाहे तब, और फिर कीमत तो यहां मांगी जाती है, जो मुंह से निकल जाए वो दाम, समझे? अभी तुमने चंबल का नाम सुनाई कहां है, चंबल देखी कहां है? जब देख लोगे ना इनाम इकरारी फरारी सब भूल जाओगे। ये जो मुगलों के गुलाम राजा रहे ना, अभी तुमने इनकी सोबत करी होगी वो राजपूत देखे होंगे, अंग्रेजों के गुलाम राजाओं की सोबत करी होगी, उनकी गुलामी करी होगी, उनकी चमचा गिरी चाटुकारी तक चापलूसी की होगी। अभी तुम्हारा क्षत्रिय राजपूत शेरों से पाला पड़ाई कहां है? शेरों के बगल से तो सांप और बिच्छू रेंगते हुए निकल जाते हैं, उन्हें डसते तक नहीं, उन तक में हिम्मत नहीं पैदा होती। फिर तुम लोग क्या? हम सिर्फ केवल इतना कहना चाहते हैं, ये अमकी धमकी अरारी फरारी ये आलतू फालतू की बातें कर दो बंद, समझे? इनमें कुछ नहीं रखा, या तो लौट आओ सुधर जाओ और जहां पहुंचना है मूल जड़ की ओर वापस लौट, और आगे और गिरना है और गिरना है और नीचे जाना है तो जा, किसी ने नहीं रोका, समझे? और ये अमकी धमकी दी और ये उल्टी सीधी बातें करी, हमने कह दिया 900 साल से पहले ना कोई जाट था ना गुजर था, मोहम्मद गोरी ने मार मार के तुमको सब कुछ बना दिया, हम उसको बदलना चाह रहे थे, तुमको वापस लाना चाह, मगर तुमने अगर इतनी बड़ी बातें कह दी, इतनी हिम्मत करी है, तो उन मुगलों और अंग्रेजों के गुलाम राजाओं को भी हमारी चुनौती और तुम लोगों को भी चुनौती। अनंगपाल सिंह तोमर को तो क्या, उनके किसी वंशज को भी टच करके बता देना, स्पष्ट करके बता देना, इस तोमर घर में चंबल की तोमर घर में तोमरों की संख्या जानते हो कितनी है?
जानते हो, अभी अंदाजा नहीं होगा, 65 लाख तोमर है यहां, 65 लाख इस तोमर घर में, 65 लाख तोमर। अगर हम सब निकल पड़े, अभी तो हम बॉर्डरों पर पहरे दे रहे हैं, बॉर्डरों पर हमारे भाई तैनात हैं और बॉर्डरों की रक्षा कर रहे हैं, अभी तो हम भारत की सीमाओं पर भारत देश को बचा रहे हैं। वहां से हमारे यहां शव आते हैं, रोज आते हैं, दो तीन, यहां का लहू बॉर्डरों पर बह रहा है, और जिस दिन खोपड़ी घूम गई तो सनद रहे ये हम कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, अभी हम देशभक्त हैं, देश के रक्षक हैं, वरना तुम कहां हो, तुम्हारे अते पते नहीं चलेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की ऐसी बात करी कि किसी भी प्रकार की बेमनस्यता फैलाई या किसी भी प्रकार का ये आरक्षण फारक्षण या उल जलूल मांगे की, तो फिर बर्दाश्त की भी सीमाएं होती हैं, बर्दाश्त की भी सरहदें होती हैं, फिर तुम हमारे बदले की वो सरहद देखोगे जो हमने महाभारत के मैदान में दिखाई थी। महाभारत के मैदान में जाने से पूर्व हमने बहुत परेशानियां झेली थी, 13 साल का वनवास काटा था, अज्ञातवास काटा था, सब कुछ छीन लिया था, सब कुछ लूट लिया था हमारा, फिर उसके बाद हमने सबके कुल और वंश सबके नाश कर दिए और बचे तो सिर्फ और सिर्फ केवल हम लोग। इसलिए अभी भी सब्र धारण करो, सीमाएं निर्धारित कर लो अपने जुल्म की, अत्याचार की। इतना जुल्म और अत्याचार इन क्षत्रिय राजपूतों पर मत डालो कि फिर एक में हम महाभारत हो और तुम्हारे सबके कुल और वंशों का नाश पूरी तरह इस धरा से हो जाए, जैसे कि आज कौरव वंश सहित कौरवों का साथ देने वालों के अंशों वंशों का पता तक नहीं। हमने सर्प सत्र किया था, जन्मेजय का सर्प यज्ञ तुम्हें अभी याद नहीं होगा, सर्पों का कुल नाश कर दिया था। हम जिस से भी लड़ बैठते हैं उसका वंश नाश कर देते, कुल नाश कर देते, सर्वनाश। हल्दीघाटी हमने लड़ी, हल्दीघाटी में हमारा यह इतिहास कि 450 में से 423 चंबल के तोमर वहां पर शहीद हुए, उससे हल्दीघाटी बनी, आज भी स्मारक हमारे वहां लगे हुए हैं। सबको बुला दिया, इनाम घोषित कर रहे 1 लाख रुपए की, दिल्ली पथ पर महाराजा नंगपाल सिंह तोमर पर। अबे गधो, इतना पड़ेगा, इतने मारे जाओगे, एक पूरे विश्वमंडल का सम्राट, ये जिस जो विश्व भूधरा का सम्राट, उसकी कीमत 1 लाख रुपए, तुम पे इससे ज्यादा पैसा नहीं है क्या? 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा किसी जाट के पास नहीं है भाई। अरे इस पूरी विश्वधरा की, ब्रह्मांड की पूरी कीमत लगाओ और देखो नंगपाल सिंह तोमर के वंशज तुम्हारे यहां पर खड़े होंगे उसी वक्त। कीमत तो सही लगाओ, तुम पे दाम नहीं है, पैसा नहीं है, क्या है? भीख मांगते फिर रहे हो आरक्षण की और इनाम घोषित कर रहे हो, दो चीजें एक साथ हो सकती हैं क्या? भिखमंगे भी और दानी भी नहीं हो सकती, या तो केवल भिखमंगे हो सकते हो या फिर केवल दानी हो सकते हो, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आगे कभी मुझे अवसर मिला तो मैं आपको श्रीमद् महाभारत और श्रीमद् भागवत के वो सारे श्लोक सुनाऊंगा, श्रीमद् भगवत गीता के वो श्लोक सुनाऊंगा, और मैं तुम्हें सबको तुम्हारी वो औकात बताऊंगा, जात बताऊंगा, तुम लोग हो कहां, उसमें कहां आते हो, कौन सी जात हो, कौन सा वर्ण हो, पहले अपने वर्ण का जाति का पता बताओ, उसके बाद में आगे बात करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।